हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों का भव्य उद्घाटन। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद सुद्दीन अवेसी ने एआईएमआईएम के बहादुरपुर के विधायक मोहम्मद मौजम खान के साथ बहादुरपुरा विधानसभा के कई क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। आज तीसरा चरण समाप्त हो गया है। असुद्दीन अवेसी 3 दिन से लगातार बहादुरपुरा विधानसभा के कई क्षेत्रों में उद्घाटन कर रहे हैं। तीसरे चरण में बहादुरपुरा विधानसभा के विकास कार्यों का उद्घाटन बहादुरपुर के तमाम क्षेत्रों में समाप्त हो गया है। अब असुद्दीन अवेसी के नेतृत्व में तेजी के साथ विकास गतिविधियां होंगी। इस उद्घाटन के मौके पर अवेसी का जबरदस्त स्वागत किया गया। अवेसी को फूलमाला भी पहनाई गई। अवेसी को हर कोई आशीर्वाद दे रहा था। असुद्दीन अवेसी और अकबरुद्दीन अवेसी है तो हर कार्य मुमकिन है कहा जा रहा था। असुद्दीन अवेसी जिंदाबाद के नारे भी लगा रही थी जनता। बहुत ही उत्साहित थी जनता। अवेसी हर किसी से मिल रहे थे और आशीर्वाद भी ले रहे थे। असुद्दीन अवेसी ने विकास की ऐसी जाल बिछा दी है जो 122.80 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य अब तेजी के साथ बहादुरपुरा विधानसभा में होंगे। और इस उद्घाटन के मौके पर एआईएमआईएम के राजेंद्र नगर के प्रभारी मिर्जा रहमत बेग, बहादुरपुरा विधानसभा के एआईएमआईएम के नगर सेवक, वरिष्ठ कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की।